पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। ये तो आप जानते ही हैं कि पंजाब में हुए चुनाव की वोटिंग की गिनती होने के साथ जीत की भी घोषणा आज हो गई है और इसी के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वोटों की गिनती पूरी होते ही सबसे पहले हनुमान मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे और वहां से निकलते ही सीधा अपने कार्यालय पहुंचकर लोगों का धन्यवाद किया। इसी के साथ उनका ये भी कहना था कि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जीत हासिल की है, वैसे ही हरियाणा में भी वह अपना परचम लहराएंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में खुशी मनाते नजर आए और ऐसा ही नजारा बाहरी दिल्ली के नरेला में भी देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतर आए और नाचते गाते व जश्न मनाते नजर आए और वहां मौजूद लोगों को लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। और वहां मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था, जैसे हमने पंजाब में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है, वैसे ही दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनाव में भी ऐसे ही पूर्ण बहुमत से हम जीत हासिल करेंगे। मैं दिनेश भारद्वाज, मेरा नाम है, मेंडे टीम का कैप्टन रहा हूं और अर्जुन वार्डे हूं और एक आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से पहले चुनाव लड़ा था, लेकिन जो नीतियाँ हैं, जो केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं दिल्ली में, वो दिल्ली का असर आज पंजाब में आप लोगों ने देखा हुआ। तो जो जनता जुड़ी हुई है केजरीवाल से, केजरीवाल के कामों से, किसी पार्टी की ना बुराई करते हुए केजरीवाल जी के काम में आप लोगों को गिनवा देता हूँ। जो दिल्ली में जो भ्रष्टाचार था, जो भ्रष्टाचार लोग कर रहे थे एमसीडी में, सरकार में, केजरीवाल जी ने वो काम किया। जो नेता लोग पैसे खाते थे, उनके नेता वो जनता में देते हैं। जैसे कि कार्य आपने देखा होगा, शिक्षा फ्री है, मेडिकल फ्री है, बसें फ्री हैं और स्कूलों की हालत देखी होगी आपने, पहले कितनी गंदी थी, आज कितने अच्छे स्कूल हैं, जो अमेरिका तक के राष्ट्रपति यहाँ पर देखने आते हैं। तो वही लक्ष्य एक पंजाब की जनता ने सोचा कि दिल्ली को सुधार सकते हैं और पंजाब को सुधार सकते हैं तो केजरीवाल जी ही सुधार सकते हैं, जो कि गृह मंत्री पर्चे बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 15-15 रैलियाँ कर रहे हैं, लेकिन एक केजरीवाल, एक माँ का लाल जो दिल्ली से जाकर पंजाब की जनता ने चुना है, वो जनता ने इसलिए चुना है, उस पर भरोसा है कि उसने करके दिखाया। जो पहले बुजुर्ग कहते थे, जो बोलते थे वो करते हैं, वो जो केजरीवाल कहता है, जो चुनाव का हमारा एक मैनिफेस्टो है, जो बताते हैं वो करते हैं। क्योंकि पंजाब का एक बेड़ा गर्क हो चुका था नशे का, हर बच्चा, क्योंकि मैं एक एज ए स्पोर्ट्समैन हूँ और लाखों बच्चे पंजाब में स्पोर्ट्स करते हैं, इसीलिए केजरीवाल जी ने जो एक मुहिम चलाई थी कि हम नशा मुफ्त पंजाब बनाएंगे, तो उस दिशा पर जो आंदोलन किसानों ने किया था, केजरीवाल ने उनके दुख को समझा और उनकी मदद करी, क्योंकि दिल्ली में बहुत कम किसान हैं और पहली बार केजरीवाल जी ने किसानों को, जब सूखा पड़ता है या ओले पड़ते हैं, उनको पैसे देते हैं, पहली बार हुआ इतिहास में। और इतिहास जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब से देश आज़ाद हुआ, पहला एक ऐसा सीएम, ऐसा बेटा दिल्ली से जाकर इस देश में पहली बार एक दूसरा सीएम दूसरी स्टेट में सीएम बनाने में कामयाब हुए हैं। इतना पंजाब में बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला, उतना क्या निगम पार्षद में भी जो आने वाले एमसीडी के इलेक्शन है उसमें भी इसी तरीके का प्रचंड। देखिए एमसीडी तो हम कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वैसे ही हम जीते हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में तो वो कार्य हुए हैं जो कभी हुए नहीं। और रहा एमसीडी की बात, अब तो कुछ एक दो सीट बीजेपी की आ भी जाती, जैसे टाइम बढ़ाएंगे शायद इनकी जीरो भी ना टूटे। तो इस मारी मैं कह रहा हूँ, जनता जाग चुकी है, जुड़ चुकी है केजरीवाल जी के साथ, उसके काम के साथ। जनता जब जुड़ती है, जब उसके काम होते हैं, दुख में सुख में हमेशा खड़ा रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटी सी पार्टी बनकर एक कार्यकर्ता की निकली थी और उससे हमेशा जुड़ते जा रहे हैं। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ, जो 24 का चुनाव आएगा प्रधानमंत्री का, जब एक बेटा अपने परिवार को छोड़कर और जनता के बीच में रहता है 24 घंटे, तो उसको जनता चुनती है और वो इतिहास पंजाब के नागरिकों ने, खिलाड़ियों ने, गरीब ने, सब ने बनाया। जो आदमी दो दो सीटों से लड़े थे, जो 5-5 साल तक 5 बार के सीएम रहे हैं, वो हरा दिए। तो आम लोगों की वोटें जो पड़ती है ना, तो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, तो ये आम आदमी की एक लोहार वाली वोट पड़ती है कि आम आदमी को देना है। और आम आदमी पार्टी किसी की सत्ता की नहीं है, किसी परिवार की नहीं है, वो जनता की है और जनता ने आम आदमी पार्टी को बनाया है। एमसीडी में मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी भी नहीं दिखाई देगी कहीं और पार्टी भी नहीं दिखाई देगी हमेशा दिल्ली में, क्यों जनता जानती है कि दिल्ली में सीएम है, एमएलए हैं, काउंसलर आएंगे, अच्छा और काम होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से लिप्त है बीजेपी। एमसीडी में भ्रष्टाचार से लिप्त, किसी भी जाइए आप, सफाई कर्मचारी का जाइए, टीचर का जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में, एमसीडी के डिपार्टमेंट में जाइए, इन्होंने पार्क हैं,
जमीनें बेच डाली हैं, तो कुछ कार्य तो किया नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो MCD में भी आएगी और दोबारा MLA में भी आएगी और जो 2024 में होगा, 7 सीट हम दिल्ली की केजरीवाल जी MP बनाएंगे अपने, ये मैं वादा करता हूँ आपको। आज किसी ढोल नगाड़ों के साथ जो है आप रैली का आयोजन? देखो, ये तो आज जो मैसेज गया है पूरे भारत में गया है, ये कहने की बात ही नहीं है। तो सभी जानते हैं कि एक जुनून है जो पंजाब से होके और दिल्ली तक पहुँचे, और ये हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, जो हमारे से किसी भी तरह से व्यक्त ना करके हम इशारों से, हरकतों से और बोल के उसको किसी भी तरह से व्यक्त करना चाहते हैं। आज इतनी खुशी है, इतनी शायद हमको दिल्ली जितनी जीती तब नहीं हुई थी, क्योंकि केजरीवाल का जो मॉडल है वो एक काम का मॉडल बन गया है। केजरीवाल काम के मॉडल हो गए हैं, एक उनके पास परसेंटेज उनके साथ चिपक गई है कि 100 में से कम से कम 85 जो दिल्ली में हुआ था 70 में से 67, वही पंजाब में हो गए 117 में से 90। ये रिकॉर्ड टूटा है और ये रिकॉर्ड जब टूटा है, जबकि पंजाब में BJP ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, उनके PM भी, उनके CM भी, उनके होम मिनिस्टर भी, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी, उनके वित्त मंत्री सभी तो वहाँ लगे थे, और केजरीवाल सिर्फ अपनी टीम के साथ था, अपने कार्यकर्ताओं के साथ था, और उसने वो करके दिखा दिया जो इतना बड़ा लश्कर जो PM साहब ले गए थे वो नहीं कर पाए। मैं वार्ड 1 से हूँ, जितनी खुशी हमें ना शायद ही कोई किसी को होगी। जैसा उन्होंने दिल्ली में कहा था करा, और वैसे ही उन्होंने पंजाब में किया, तो हमें केजरीवाल ही जीते। सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी, बहुत ज्यादा खुशी है, जितनी दिल्ली की खुशी नहीं थी जितनी पंजाब की है, क्योंकि हमारे केजरीवाल जी ने जो मॉडल बना के दिखाया ना, शिक्षा के ऊपर, हॉस्पिटलों के ऊपर, तो वो मॉडल सभी जगह गूंज रहा है। उसके हिसाब से हमारे केजरीवाल जी की इतनी अच्छी जीत हुई है कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतना हमारे को बहुमत मिलेगा। बहुत ही अच्छे से पंजाब के लोगों ने हमारा साथ दिया है और केजरीवाल जी का साथ दिया है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यालय पर झंडा फहराकर अपनी खुशी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।